धार जिले के धर्मपुरी के हीरापुर में आबकारी विभाग ने एक मकान में दबिश देकर प्लेन शराब की 20 पेटी जब्त की है। दबिश के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम हीरापुर में उमरिया निवासी अमीचंद पवन ने राधेश्याम के मकान में अवैध शराब संग्रहित कर रखी थी, जिसके बाद दबिश देकर तलाशी की, जिससे मकान में अवैध रूप से संग्रहित की गई प्लेन शराब की 20 पेटियां जब्त की हैं। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 75,000 रुपए है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। दर्शन पर धार के संयुक्त दल द्वारा जो है मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम हीरापुर में दबिश दी गई। ऐसी सूचना मिली थी कि उमरिया निवासी अमित चंद पवन द्वारा जो है हीरापुर में राधेश्याम के घर में जो है अवैध शराब संग्रहित की गई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे, राधेश्याम मौके से फरार हो गया। हम लोगों ने मकान की जब तलाशी ली तो 20 पेटी प्लेन शराब जो है बड़वानी जिले की, जिसका प्रदाय क्षेत्र बड़वानी जिला था, जब्त की गई। 34-2 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कितने आरोपी बनाए सर इसमें? इसमें अभी तो एक आरोपी है और इसमें अमित चंद और पवन भी आरोपी बनेंगे। पकड़ा गए फरार है? अभी पकड़ाए नहीं, आरोपी तीनों भी फरार हैं। पकड़ी गई अनुमति किसकी शराब की कीमत क्या है? इसकी शराब की कीमत लगभग 75,000 रुपये है। क्या सुनना? RS राय, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।